मिर्ज़ाई शिकार है, बिद्यती फरार है, दुश्मन फिका की तो चीख और पुकार है। نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم न कोई आया है न कोई आएगा नबी मुस्तफ़ा के बाद, न कोई आया है न कोई आएगा नबी मुस्तफ़ा के बाद, हुस्ने नबूवत का कलम टूट गया मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह और रसूल की लानत हो उस पे साहिल, अल्लाह और रसूल की लानत हो उस पे साहिल, करे दावा नबूवत जो मुस्तफ़ा के बाद। मुहतरम व मुकर्रम मुकाबिल एहतराम और तमाम ही सामईन किराम, मैं आज आप हजरात के सामने एक ऐसे मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हर ज़माने में मुकर्ररीन का एक मौजू सुखन रहा और आज भी ज़माना हाल इस मौजू से लोगों को आरास्ता व पैरास्ता करने की बहुत अहम ज़रूरत बनी हुई है। मेरे अजीज साथियों, हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ दुनिया से लेकर आज तक सारे अंबिया भी और पूरी इंसानियत में सबसे आला व बाला है। आपसे पहले अंबियाए किराम की दिगरे आ रही है। एक नबी की लाई हुई शरीयत के ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला ने दूसरे नबी भेजे, लेकिन हमारे आका ताजदार मदीना हबीब किबरिया महबूब खुदा सरवर कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अंबिया व रसूल की तादाद मुतय्यन की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पूरी हुई। ऐसे नबी की नबूवत का कातिल होना जिससे तादाद में इजाफा हो, ये अकीदे ख़त्म नबूवत के मनाफी और कुफ्र है। मेरे साथियों, मैं आपको बताता चलूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो शरीयत क्यों ख़त्म है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नबूवत क्यों ख़त्म है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही रब क्यों ख़त्म है। इसलिए कि खालिक कायनात के बाद इस दुनिया में सरवर कौन है, सरवर कायनात सबसे आला है। इसलिए कि रब कायनात के बाद इस दुनिया में फख्र मौजूदात, इसलिए के मालिक कायनात के बाद इस दुनिया में फख्र मौजूदात सबसे आला है। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद ने फरमाते हैं, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद, के जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको एक दूसरे पर फजीलत व खुसूसियत दी, और कोई किसी कमाल में अच्छा तो कोई किसी एतबार से मुमताज़ हुआ। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कमालात अता किए, आपको तमाम कमालात वालों में सबसे अकमल बनाया, आपको तमाम जमाल वालों में सबसे अजमल बनाया, आपको तमाम अनवारात वालों में सबसे मुनव्वर बनाया। और जब नबूवत की रबीउश्शान इमारत पर लिहाज मुकम्मल हुई तो इस सिलसिले नबूवत को ख़त्म करके ताज ख़त्म नबूवत का सर पर सजा दिया।
اور دوسرے انبیاء کو اللہ کی بارگاہ سے نعمت ملے اور تمام نعمت کی شان نصیب ہوئی، اہتمام بھی شان نصیب ہوئی، اس لیے تو آج ہم خوش و خروش کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار ہے اور انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اور آخر میں میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اسی رعایت انسب سے نیک نام ہوں میں، اسی رعایت انسب سے نیک نام ہوں میں، حضور سرور کونین کا غلام ہوں میں، مروں گا ختم نبوت کی پاس پانی میں، مروں گا ختم نبوت کی پاس پانی میں، جہاد عشق و رسالت میں تیز دام ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی عربین ریس، ابراہیم پورا، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹراویلز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔